हमारे गेम में आलोक कैरेक्टर है, क्रोनो कैरेक्टर है, के कैरेक्टर है और भी से कुछ कैरेक्टर है जो कि कोलैबोरेशन का पार्ट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे फ्री फायर गेम में कभी कोलैबोरेशन होता ही नहीं तो क्या होता? हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्या होता अगर फ्री फायर कोलैबोरेशन नहीं करता। आप लोगों को सुनने में एकदम नॉर्मल सी चीज लग रही होगी, क्या फर्क पड़ेगा गेम में, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आप ऐसा सोचते हो कि गेम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं आपको इस सोच को गलत साबित करके दिखाऊंगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही खतरनाक से व्हाट इफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन व्हाट इफ्स को सुन के आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। इस सीरीज का नाम है व्हाट इफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट इफ, क्या होता अगर हमारे फ्री फायर गेम से जितने भी शॉर्ट रेंज गन है उसे सबको रिमूव कर दिया जाए। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, MP40, MP5, थॉमसन, UMP, M1014, M1887, MAX7, SPAS12, जितने भी शॉर्ट रेंज गन है हमारे फ्री फायर गेम में सबको रिमूव कर दिया जाए तो हमारे फ्री फायर गेम में कितना इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या आप लोग अभी सोचा? अगर कभी फ्री फायर हमारे गेम से जितने भी शॉर्ट रेंज गन है उसे रिमूव कर देगा तो अगर आप सोच रहे हो कि गेम एज यूजुअल रहेगा, बस हमारे गेम में शॉर्ट रेंज गन होती है, बस वही नहीं मिलेगी मैप में और बाकी जैसा का तैसा गेम रहेगा, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिलीव मी आप काफी तरह गलत सोच रहे हो। शॉर्ट रेंज गन को रिमूव करने के बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? एक है AR की गन एंड दूसरा स्नैपर गन। अगर मैं वो पबजी का एग्जांपल दूं तो पबजी में शॉर्ट रेंज के नाम पे सिर्फ एक ही गन है और उसका नाम है शॉटगन, जो कि पबजी में टोटली यूजलेस है। बहुत कम बंदे जो कि शॉटगन को यूज करते हैं शॉर्ट रेंज फाइट में। पबजी में जितने भी गन है M4A1, AKM, SCAR-L, ये सब शॉर्ट रेंज फाइट के लिए होती है, क्योंकि उन गन को कुछ उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो शॉर्ट रेंज में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि पबजी में कोई शॉटगन को यूज नहीं करता, वहां पे एक ही शॉर्ट रेंज की गन, जैसे कि मैंने आपको बताया गन, उसे भी कोई यूज नहीं करता। तो सिमिलरली हमारे फ्री फायर गेम में भी जो AK चलाते हो आप, उसके रेट ऑफ फायर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, डैमेज को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि AK का डैमेज बहुत ज्यादा 40-50 का डैमेज देता है, उसके रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर दिया जाएगा एंड डैमेज को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा। जहां AK 40 का डैमेज देता है वहां शॉर्ट रेंज में 18 का डैमेज देगा एंड रेट ऑफ फायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाएगा, AK के रिकॉइल कम कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ जितने भी AR गन्स है उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। और जैसा आप अभी गेम खेल रहे हो, जिस तरीके से आपका मूवमेंट है वो सब तो रहेगा ही नहीं, आप भूल जाओ। जैसे पबजी ग्राफिक्स रहती है वैसे ही ग्राफिक फ्री फायर को करना पड़ेगा अगर फ्री फायर ने कभी शॉर्ट रेंज गन्स को फ्री फायर गेम से रिमूव किया, क्योंकि फ्री फायर एक रियल बैटल ग्राउंड गेम नहीं है। रियल बैटल ग्राउंड गेम में आप लोगों को AWM को बहुत ही टेक्निक से यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोग घुस गए और शॉर्ट रेंज में AWM चलाया जा रहा है, इसी फ्री फायर में होता है ना कि रियल बैटल ग्राउंड गेम्स में। फ्री फायर स्पेशली शॉर्ट रेंज फाइट के लिए डिजाइन किया गया, इसलिए यहाँ पे AWM को भी शॉर्ट रेंज में यूज किया जाता है। तो मेन हथियार है जो फ्री फायर का शॉर्ट रेंज गन, उसे रिमूव कर दिया जाएगा तो उसे ग्राफिक्स भी चेंज किया जाएगा, जो मूवमेंट्स है वो सब भी चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपने कभी पबजी प्लेयर्स का गेम प्ले देखा है तो फ्री फायर भी कुछ उसी तरह का गेम हो जाएगा अगर फ्री फायर ने कभी शॉर्ट रेंज गन्स को रिमूव किया हमारे फ्री फायर गेम से। तो व्हाट इफ, क्या होता अगर हमारे फ्री फायर गेम में ऑल चैट का ऑप्शन होता। हमारे फ्री फायर गेम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टीममेट के साथ ही बात कर सकते हैं। ऑल चैट ऑप्शन मतलब ये होता है कि मैप में जितने भी प्लेयर्स हैं आपके टीममेट्स और जितने भी प्लेयर्स हैं आपके एनिमी, उन सब से आप सब एक टाइम पे ही बात कर सकते हो। इसे कहते हैं ऑल चैट ऑप्शन, जो कि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बैटल रॉयल गेम्स में है। तो भाई लोग, अगर ऐसा होता हमारे फ्री फायर में इन फ्यूचर, अगर ऐसा हो भी जाता है तो इन सब में आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि आपको बता दूं, अगर आपके गेम में कोई बड़ा यूट्यूबर आया है, जैसे कि अज्जू भाई आपके गेम में आए हैं, तो आप लोग ऑल चैट ऑप्शन ऑन करो एंड अज्जू भाई को बोलो, अज्जू भाई से बात करो, भाई आप मेरे को यहाँ पे मिलो, प्लीज टीम अप कर लो, आप मारो ना मत। उससे अज्जू भाई आप पे विश्वास करें कि भाई ये बंदा हमें जानता है, मारेगा नहीं, आधुनिक कन्वर्सेशन भी हो जाएगी, आप लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर से बात करने का मौका भी मिलेगा। और ऐसे में आप लोग को अभी जितना गेम खेलने में मजा आता है उससे डबल ट्रिपल गेम खेलने में मजा आता है। अगर आपके पास कोई एनिमी है तो आप उसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, उस एनिमी से आप लोग डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हो। और एक फनी वे मैं आपको बताऊं, आप लोग प्लेन में किसी को चैलेंज करो, दम है तो पिक में, आप पिक में तेरे को देख लूंगा। इन शॉर्ट औकात की बात आप लोग पिक में ही कर सकते हो, और फिर आप लोग पिक में मत जाना, पूरे 50 प्लेयर को पिक में उतरवा देना और आप कहीं और चले जाना, ऐसे में आपका आराम से पूजा हो जाएगा। और अगर आपको मारने के बाद कोई इमोट दिखाता है, फिर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उन पे आपको गुस्सा जताना होता है, आपको उनसे बातचीत करना होता है, तो आप लोग ऑल चैट ऑप्शन से उनसे बातचीत भी कर सकते हो। इन शॉर्ट बहुत ज्यादा मजेदार और गेम हो जाएगा और आप लोगों का ही ज्यादातर फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। व्हाट इफ, क्या होता अगर फ्री फायर में जो ड्रैग होता है राइट फायर बटन, वो कभी ड्रैग ही नहीं होता, राइट फायर बटन भी सेम लेफ्ट फायर बटन जैसा ही रहता, तो हमारे गेम में क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं। सबसे पहला चेंज तो ये आता है कि आप लोग अभी वन टैप
लेफ्ट हेडशॉट नहीं मार पाते, आप लोग कभी ड्रैग हेडशॉट भी नहीं मार पाते। क्या आप लोग लेफ्ट फायर बटन से ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो? क्या आप लोग लेफ्ट फायर बटन से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो? नहीं ना। और अगर राइट फायर बटन से आप लोगों को एनिमी को किल करने में सिर्फ एक सेकंड लगता है, तो लेफ्ट फायर बटन से आप लोगों को एक जन्म तक लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारा लेफ्ट फायर बटन है, वैसे ही राइट फायर बटन भी हो जाए तो हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप जो भागते हो, मूवमेंट करते हो, उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और एक्यूरेसी जो होती है, डिफॉल्ट में एक्यूरेसी है, अगर आपने बंदे के आसपास भी गोली चला दी फिर भी हमारा जो एम है ऑटोमेटिकली बंदे पे चला जाता है, ये सब कमाल होता है राइट फायर बटन का। लेकिन लेफ्ट फायर बटन में ऐसा नहीं होता है, एक्यूरेसी पूरी जीरो हो जाएगी, आप लोगों को एकदम बंदे पे एम करके मारना पड़ेगा। तो देखा आप लोगों ने, इतने छोटे से चेंजेस से भी हमारे गेम में इतना बड़ा असर पड़ सकता है। व्हाट इफ, क्या होता अगर जितने भी फ्री फायर प्लेयर्स हैं हमारे गेम में, फ्री फायर के ऑलमोस्ट 900 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, तो क्या होता अगर 900 मिलियन लोग एक साथ एक ही टाइम पे फ्री फायर गेम खेले। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्या क्या हो सकता है अगर 900 मिलियन लोग एक ही टाइम पे एक साथ फ्री फायर गेम खेले। तो आप लोगों को बस इतना पता है, सर्वर क्रैश होगा और मैच मेकिंग नहीं होगी, दैट्स इट, बस आपको इतना पता है। लेकिन सर्वर क्रैश और मैच मेकिंग तब होता है जब एक साथ बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ तो जितने फ्री फायर के डाउनलोड्स है वो सब एक साथ खेलेंगे, तो सबसे पहले बात गेम स्टार्ट ही नहीं होगा। आप लोडिंग स्क्रीन तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन जब लोडिंग स्क्रीन पे टैप करोगे तो वहां पे लिखा आएगा सर्वर इज डाउन या फिर सर्वर इज नॉट रेडी। एक चीज हो गई, क्योंकि 900 मिलियन किसे बोलते हैं भाई? फ्री फायर का कोई भी गेम का सर्वर 900 मिलियन लोगों को एक साथ नहीं संभाल सकता, वो तो भाई फुट जाएगा। चलो मान लेते आपका गेम भी स्टार्ट हो गया, आपकी मैच मेकिंग भी हो गई, आप रैंक गेम में एंट्री भी कर ली, लेकिन क्या आपको पता है जब आप पिक में उतरोगे या फिर कोई भी जगह पे उतरोगे और जैसे आप लैंडिंग करोगे, थोड़ा देर खेलते रहोगे, फिर अचानक से आपका गेम बैक हो जाएगा, खेलते खेलते आपको फ्री फायर गेम बंद हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा नहीं होता है तो फिर जो ग्राफिक्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा आपके गेम के। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो प्रॉब्लम है ऑटो बैक की और ये ग्राफिक्स ब्लैक एंड व्हाइट होने की, ये लो हैंड डिवाइस में होते हैं। बट जब 900 मिलियन लोग एक साथ गेम खेलेंगे तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट एंड क्या कलरफुल? फ्री फायर का सर्वर पगला जाएगा, वो सोचेगा भाई मेरे को मेरे मालिक ने कलरफुल बनाया था फिर ब्लैक एंड व्हाइट, इतने सारे लोग एक साथ खेल रहे हैं, साला कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे को डिजाइन किस तरीके से गया था, वो खुद पगला जाएगा। और मैच मेकिंग की भी एक लिमिट होती है, हर एक सेकंड में 100 मैच मेकिंग होती होगी, तो हर एक मैच में 50 प्लेयर आते हैं, तो आप लोग 50 × 100 कर लो, इसका आंसर कितना होगा? 5000। मान लेते हैं एक सेकंड की इतनी लिमिट है, एक टाइम पे सिर्फ 100 ही मैच मेकिंग होती है। अगर कोई प्लेयर कम दारा हो जाता है तो वहाँ पे बॉट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैच मेकिंग करेगा तो करेगा कैसे गरीना का सर्वर? गरीना का सर्वर इतना एडवांस तो है नहीं, आप सभी लोगों को पता है गरीना का सर्वर कैसा है, इतने सारे प्लेयर एक साथ खेलेंगे तो खुद कंफ्यूज है कौन से प्लेयर को गेम में अंदर घुसा और कौन से प्लेयर को गेम के बाहर फेंके। ये तो जस्ट एक इमेजिनेशन था, अगर गलती से कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में तो आप लोग इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी गेम खेलने में जितना आप सोच तक नहीं सकते। व्हाट इफ, क्या होता अगर फ्री फायर कभी कोलैबोरेशन ही नहीं करता? जितने भी आज तक हमारे गेम में कोलैबोरेशन हुए हैं, क्या होता अगर फ्री फायर कभी कोलैबोरेशन ही नहीं करता किसी के साथ? सबसे पहली और सबसे डेंजरस थिंग, जिससे पहली बात मैं खुद डरता हूँ, कि हमारे गेम में आलोक, क्रोनो, के ये सब कैरेक्टर होते ही नहीं, क्योंकि ये सब कैरेक्टर कोलैबोरेशन का पार्ट है। ये कैरेक्टर ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि कोलैबोरेशन का पार्ट है, जैसे कि ईवो MP40, ये भी कोलैबोरेशन का पार्ट है, और ये सब इमोट्स भी कोलैबोरेशन के पार्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस भी है जो कि कोलैबोरेशन के पार्ट है, तो ये सब हमारे गेम में होते ही नहीं। चलो ड्रेसेस, इमोट, ये सब तो बात की बात है, लेकिन कैरेक्टर्स तक नहीं होते। एंड आपको ये बात भूलने की जरूरत नहीं है कि जब आलोक हमारे गेम में आया था तभी हमारे गेम में एक्टिव कैरेक्टर का जो क्रेज है वो इंक्रीज हुआ था। आलोक के पहले भी बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर्स थे, जैसे कि पहले वुकोंग भी था, A124 ऐसे वो कैरेक्टर था, बहुत सारे एक्टिव कैरेक्टर थे, पर उन लोगों को भाव तक नहीं रहता, सब पैसिव कैरेक्टर से ही खेलते थे, जैसे कि एंड्रू हायाटो। तो अगर आलोक नहीं आता तो आज तक हम लोग पैसिव कैरेक्टर से ही खेलते रहते, हमें कभी एक्टिव कैरेक्टर का जो क्रेज है वो समझ में आता ही नहीं। और जब भी फ्री फायर कोलैबोरेशन करती है तो कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे न्यू प्लेयर्स आते हैं फ्री फायर गेम में, जो कि गरीना फ्री फायर के न्यू प्लेयर्स होते हैं, जिससे गरीना को बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो वो फायदा भी नहीं होगा गरीना को। एंड अभी डाउनलोड्स भी गरीना फ्री फायर के बहुत कम होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही कम होते हैं यार, पता नहीं शायद 200-300 मिलियन डाउनलोड्स हुए रहते आज तक अगर फ्री फायर ने अभी तक एक भी कोलैबोरेशन नहीं किया होता तो। और फिर ऐसे में आपका इंटरेस्ट भी कम होता इस गेम में, और एक गेम इतना पॉपुलर तो शायद ही हो पाता, जितना सक्सेसफुल अभी फ्री फायर है उतना कभी हो ही नहीं पाता अगर फ्री फायर कोलैबोरेशन नहीं करता तो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर फ्री फायर में कोलैबोरेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो हर महीने क्यों फ्री फायर न्यू कोलैबोरेशन करता है? कोलैबोरेशन से इतना ज्यादा फायदा होता है फ्री फायर को जितना आप सोच तक नहीं सकते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई लोग अब मिलते हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।